मिली गई होगी, मगर अब तक तो लाशें भी पहुंच चुकी होंगी। काश काश मैं सुल्तान का चेहरा देख सकती, वो तो अपने बाल नोचता फिर रहा होगा। सुना है कि उसके साथियों ने बहुत मुश्किल से ठंडा कराया उसे। मेरे ख्याल में हमें कुछ अरसे के लिए, मेरी जिंदगी मुसलसल एक जंग है। जब मैं चैन से नहीं बैठ सकती तो कोई क्यों रहे। अगर सोचे तो जमीन का टुकड़ा वहीं रहता है शानजे बीबी, मगर हर कुछ अरसे बाद मालिक बदल जाता है। जन जर और जमीन उसी की है जिसके हाथ में। अगर तुम्हारी वफादारी तुम्हारी जबान की तरह लरजने लगी तो। कैसी बातें कर रही है शानजे बीबी आप, मैंने तो आलमगीर साहब से वादा किया था। तो आइंदा मेरे पास मशवरा लेकर नहीं खबर लेकर आना। लग रहा था कि बात बहुत जरूरी है। ठीक अंदाजा लगाया तुमने शान से, तुम्हारी जिंदगी से मुतालिक ही बात है। तुम्हारी जिंदगी बहुत जरूरी है। तुम्हारी धमकियां मुझे वैसे भी मिलती रहती हैं। फिर इस मुलाकात का मकसद? वो प्लॉट मेरा है। अपने बंदों से कहो कि प्लॉट खाली करो। तो इस तरह कई बेगुना जाने जाया होने से बच जाए। तुम्हें कब से गुना और सवाब की फिक्र होने लगी? वैसे भी वो प्लॉट जिसका है उसमें तो वकील की फीस अदा करने की भी हिम्मत नहीं। शान से जुर्म की दुनिया के लिए कुछ उसूल होते हैं और तुम? मेरा सिर्फ एक उसूल है, सिर्फ तुम्हारी तबाही। मेरी कमर दीवार से लग चुकी है और मैं अपने इज्जत बचाने के लिए किसी हद तक भी जा सकता हूँ। मुजरिम के हाथ में इज्जत की और जिंदगी की लकीर नहीं है, यही कहा करते थे ना तुम। तुम्हारा मसला ये है कि तुम माजी में जीती हो। और मेरी एक ताकत भी है, मैं हर हाल में जीतती हूँ। अपनी आखिरी फतह का जश्न बहुत धूम से मनाना था। मेरी फतह की धूम तो शहर में मच चुकी होगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ तो चुके हो। Thank you.
तुम मुझे क्या मारोगे? बार मेरे पास है, लेकिन ये कैसे हो गया? मैं जा रहा हूँ शांति बस। हाँ हाँ, बस जा रहा हूँ। रशीद, सब खैरियत तो है, ये तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? खैरियत नहीं शांति बीबी, हमने जिस अपार्टमेंट पे साकिब को कब्जा दिलवाया था उसके मालिक का कल रात कत्ल हो गया है। साकिब को क्या जरूरत थी इतना आगे तक जाने की? उसे साकिब ने नहीं, किसी और ने कत्ल किया है। चलो अच्छा हुआ, अब साकिब को कोई तंग नहीं करेगा। साकिब हवालात में है शांति बीबी। आखिर तूने अपने कमजात होने का सबूत दे ही दिया ना। मेरी जान, इतनी सुबह सुबह गुस्सा, आज तो सफीर की बसी भी नहीं है। तुझसे अच्छी तो मैं हूँ जो मर्दों की तरह तेरा हर वार सहती हूँ। अगर दो घंटे में तुमने वो प्लॉट खाली कर दिया तो मैं केस उलट दूंगा।